मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में सांपों को पूजनीय माना जाता है, और तो और सर्पों को समर्पित एक विशेष पर्व नाग पंचमी भी मनाया जाता है, जिस दिन देश के कई स्थानों पर सांपों की पूजा की जाती है और मेले का आयोजन भी होता है। लेकिन मित्रों, सर्प जाति की स्थिति हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि एक बार तो ऐसा समय भी आया कि पूरी सृष्टि में सांपों के प्राण दांव पर लग गए थे। पूरी सर्प जाति अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रही थी, या फिर यूं कहें कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो पूरी सर्प जाति में हाहाकार मच गई थी, और वो इस विपत्ति से बाहर कैसे निकले, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद की बात है। राजा परीक्षित का शासन चल रहा था और प्रजा बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार की बात है, राजा परीक्षित वन में घूमने निकले। घूमते घूमते वो काफी आगे निकल आए और उनको बहुत तेज प्यास लगने लगी। जलाशय की खोज में वो ऋषि शमिक के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर ऋषि आंख बंद किए ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, पर ऋषि शमिक ध्यान में मग्न थे, इसीलिए उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे में राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, और उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। ऋषि शमिक को ध्यान में लीन होने के कारण कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने सोचा कि अगर परीक्षित जैसा राजा जीवित रहा तो ये इसी तरह ज्ञानी जनों और ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को उस दिन के सातवें दिन सर्प द्वारा डसने का श्राप दे दिया। इस तरह सातवें दिन परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित का एक पुत्र था जिसका नाम जन्मेजय था। वो बहुत ही तेजस्वी और साहसी था। जब उसको अपने पिता की मौत का कारण पता चला तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई, और उसने ये प्रतिज्ञा ली कि वो पूरे ब्रह्मांड से सर्पों का नाश कर देगा। इसके बाद राजा जन्मेजय ने पुरोहितों और ऋत्विजों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक नाग ने मेरे पिता की हत्या की है, क्या आप लोग कोई ऐसा कर्म कांड जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर नाग को दहकती आग में झोंक सकूं? इस प्रण को पूरा करने के लिए सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर एक एक करके गिरने लगे, और पूरी सर्प जाति में त्राहिमाम मच गया। पूरी सृष्टि के बड़े से लेकर छोटे सर्प उस हवन कुंड में खींचे चले आ रहे थे, और इसके पीछे मंत्रों की ऐसी शक्ति थी जिसके उच्चारण से स्वतः ही सारे सांप उस अग्नि कुंड में समा जाते। सर्प वंश के दिग्गज से दिग्गज और शक्तिशाली सांपों को हवन कुंड अपनी ओर खींचने लगा। जो भी सांपों की मृत्यु का वो भयावह दृश्य देखता उसका दिल दहल रहा था। पूरी सृष्टि के सांप अपनी जान बचाने की जुगत में लग गए। मित्रों, इस विकराल और भयानक स्थिति में भी दो सर्पों ने अपनी जान बचा ली थी, जिसमें से पहला था तक्षक। तक्षक वही सांप था जिसके काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। इसने अपनी जान बचाने के लिए सूर्यदेव का सहारा लिया, और ये सूर्यदेव के रथ से जाकर लिपट गया। अगर ऐसे में वह हवन कुंड में गिरता तो सूर्य की समाप्ति हो जाती और पूरी सृष्टि अंधकारमय हो जाती। और दूसरा था कर्कोटक। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। कर्कोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। वो शिव के अनन्य भक्त थे, और भगवान शिव की कृपा से ही वो इस जन्मेजय यज्ञ के दौरान भी बचे रहे। वहीं इस विकट स्थिति और भयानक दृश्य को देखकर तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। ऐसे में सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आह्वान करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। तत्पश्चात जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिनके पिता एक प्रकांड विद्वान और माँ एक नागकन्या थी। आखिरकार अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी,
और इस सर्पमेध यज्ञ को समाप्त कर तक्षक नाग को माफ करना पड़ा और मित्रों इस प्रकार सर्प जाति बच गई। अगर बीच में देवता गण न आते तो आज इस धरती में सांपों का नामो निशान मिट गया होता। इस यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि इस यज्ञ से पृथ्वी के आधे से ज्यादा सर्पों का विनाश हो गया था। तो मित्रों ये थी जन्मेजय द्वारा आयोजित किए गए सर्प यज्ञ की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ तो इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा करना ना भूलें। और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स और Facebook पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा नया Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।